हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको अपनी बातें बतलाई कल के अवतार के बारे में कि किस प्रकार लोग दूसरों के बहकावे में आकर इंतज़ार कर रहे हैं कंटिन्यू नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर कि अब अगला साल आएगा। और जैसा लोगों ने कहा है, जिन्हें वो फॉलो करते हैं, जिन पर विश्वास करते हैं कि अब उन्हें कल्कि देव के दर्शन मिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है ये मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बतला दिया है। आज मैं अपने वीडियो में आपको उन तीन बातों से अलर्ट करना चाहती हूँ जिन पर लोग अपने वीडियोस बना रहे हैं और भविष्य मलिका का नाम स्पॉइल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं और किन बातों को लेकर भविष्य मलिका के द्वारा वो लोग दूसरों के बीच जाकर गलत धारणाएं फैला रहे हैं, उसके पीछे की सच्चाई क्या है, आज सिर्फ तीन पॉइंट्स में कवर करूंगी जिन बातों को लेकर गलत धारणाएं भविष्य मलिका के नाम पर बनाई जा रही हैं लोगों के बीच जाकर अपने वीडियो के माध्यम से। भविष्य मलिका का ग्रंथ, वो पवित्र ग्रंथ जिन्हें अच्युतानंद दास और उनके चार मित्रों ने मिलकर लिखा, ओडिया भाषा में लिखा गया ये ग्रंथ कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। श्री कृष्ण के आदेश पर अच्युतानंद दास जी ने अपने योग क्रिया के माध्यम से इसको लिखा है, यानी उनके पास वो पावर थी जिसके द्वारा उन्होंने आज से करीब 600 वर्ष पहले उन चीज़ों को देख लिया। कारण श्री कृष्ण ने उन्हें वो ताकत दी जिसके द्वारा उन्होंने आज के युग में घटने वाली सारी घटनाओं को देखा, ना सिर्फ देखा बल्कि ताम्र पत्र पर, यानी जिसे भविष्य मलिका आज कहा जा रहा है, ताम्र पत्र पर उड़िया भाषा में उन बातों को उन्होंने लिख दिया। लेकिन जैसा मैं पहले भी कह चुकी हूँ, ताम्र पत्र पर लिखी गई भविष्य मलिका जो है, वो असली ग्रंथ जो है, वो आज भी रहस्य के पर्दे में छिपी हुई है, पब्लिक के बीच नहीं है। कारण उसमें ऐसी ऐसी घटनाएं लिखी गई हैं और ऐसी बातों का उसमें वर्णन किया गया है जिसे पढ़कर लोग शॉक्ड हो सकते हैं। इसलिए कुछ बातों को, जो ग्रंथ है भविष्य मलिका, सिर्फ एक नहीं है, हजारों की संख्या में है, उनमें से कुछ ऐसी बातें जिन्हें पढ़कर लोग पैनिक नहीं होंगे, उन्हीं को बाहर निकालकर और ओडिया भाषा से अब ट्रांसलेटर उसे ट्रांसलेट कर रहे हैं दूसरे लैंग्वेज में, ताकि बाकी लोगों को भी भविष्य मलिका के बारे में क्या लिखा गया है अच्युतानंद दास जी और उनके चार मित्रों के द्वारा, जिन्हें पंच सखा नाम दिया गया, तो लोगों को भी पता चले। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो लोग इसका ट्रांसलेशन कर रहे हैं वो कितनी जानकारी रखते हैं, कितना उन्हें ज्ञान है जिस भाषा का वो ट्रांसलेशन कर रहे हैं अन्य भाषाओं में। यदि आपकी पकड़ अच्छी नहीं है तब आप अच्छे ट्रांसलेटर नहीं बन सकते। आपको उस भाषा का सही ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हर एक भाषा में एक शब्द के भी कई अर्थ होते हैं, और जिस इंसान ने उस शब्द का प्रयोग किया उसके पीछे उसकी मंशा क्या थी, ये भी बहुत मायने रखता है। आज जो लोग भविष्य मलिका पर अपने वीडियोस दे रहे हैं लोगों के सामने, वो लोग रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करके लोगों को गलत बातें बतला रहे हैं। थ्री पॉइंट्स मैंने कहा, वही थ्री पॉइंट्स आज मैं चर्चा करूंगी। कल के अवतार विजिबल होंगे कब तक या नहीं, वो मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया, तो अब रिपीट नहीं कर रही हूँ। उनमें एक बात लिखी गई है भविष्य मलिका में कि 13 मुस्लिम कंट्रीज मिलकर भारतवर्ष पर हमला करेंगे, लेकिन वो कब होगा, क्या वो अभी होगा,
लोगों ने सिर्फ इतनी सी बात को पकड़ा और उसे आज के कंडीशन के साथ जोड़ दिया और सोशल मीडिया पर वीडियो बना दिया कि इसी डिकेड में 13 मुस्लिम कंट्रीज अटैक करेंगे इंडिया पर और सब कुछ तबाह हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, कल की अवतार को लेकर कि कल की देव महाप्रलय महाविनाश करेंगे। आज मैं उनके विजिबल होने की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो महाविनाश महाप्रलय वो लेकर आएंगे, उनका जो अंतिम युद्ध होगा, फाइनल फाइट जो वो लड़ेंगे, वो महाभारत युद्ध का पार्ट टू होगा। अभी जो रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है वो नहीं, ये तो अभी एक साल हो गया रशिया यूक्रेन के युद्ध को चलता चला जा रहा है। बहुत भयंकर वो युद्ध होने वाला है, लेकिन WW3 के साथ उसे कनेक्ट करके लोगों ने सोशल मीडिया पर ये बतला दिया कि इसी डिकेड में या 2025 के अंदर WW3 हो जाएगा और होने के साथ पूरी दुनिया तबाह, खत्म और सतयुग का आगमन, क्योंकि WW3 के द्वारा बहुत तबाही मचने वाली है। इसलिए तो 25-26 तक ही WW3 हो जाएगा। क्या WW3 का सही दिनांक भविष्य मलिका में दिया गया है? क्या लोगों ने उस चीज़ को, उन बातों को समझा, या अपनी बातें उसमें ऐड ऑन करके वीडियोस बना दे रहे हैं? ये दूसरी बात हो गई। 13 मुस्लिम कंट्रीज का मैंने बोला और ये WW3 को महाविनाश के साथ जोड़ दिया गया है। और तीसरी बात कि 64 करोड़ लोग ही अब बचेंगे इस पृथ्वी पर, बाकी सब मारे जाएंगे। तो 64 करोड़ लोग बचेंगे, ये सत्य बात है। अब मैं एक एक पॉइंट को एलिब्रेट करके आपको बता रही हूँ। 64 करोड़ लोग बचेंगे ये सत्य है, लेकिन इसमें जो मिर्च मसाला लगा दिया गया है और टाइम बाउंडेशन जो दे दिया गया है कि इसी टाइम के अंदर वो 64 करोड़ लोग बचेंगे, यहीं पर मिर्च मसाला लगाने का काम किया जा रहा है। भविष्य मालिका में नहीं बताया गया है कि 2027 या 2025 या 2028 या 2029 या मैक्सिमम 32 तक पूरी दुनिया खाली हो जाएगी, सिर्फ 64 करोड़ लोग बच जाएंगे। बिल्कुल नहीं, ये बातें लोग अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं। 13 मुस्लिम कंट्रीज अटैक करेंगे, बिल्कुल सही, ये बातें लिखी गई हैं, लेकिन उसके साथ जो अपना शब्द, अपने वाक्य जो लोग जोड़ रहे हैं कि 13 मुस्लिम कंट्रीज अब अटैक करने ही वाले हैं और वो WW3 में वो वक्त होगा जबकि वो लोग अटैक करेंगे और इस प्रकार से पूरा भारतवर्ष मटिया मिट हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा और सिर्फ 64 करोड़ लोग ही बचेंगे, ये बातें भी गलत हैं। 13 मुस्लिम कंट्रीज इतनी जल्दी नहीं भारतवर्ष पर, अभी तो भारतवर्ष ऊपर की ओर बढ़ रहा है, अमृत महोत्सव चल रहा है, अभी तो 100 वर्ष पूरे होंगे हमारी आज़ादी के, बहुत कुछ अभी अचीवमेंट इंडिया करेगा, इंडिया तो अभी ऊपर की ओर बढ़ रहा है। इतनी जल्दी मुस्लिम कंट्रीज एक साथ मिलकर हमला नहीं करेंगे, बहुत टाइम, ये डिकेड क्रॉस कर जाएगा, नेक्स्ट डिकेड भी 32 जो डेडलाइन दी गई है सतयुग के लिए वो भी क्रॉस कर जाएगी। आप खुद देखते रहिए, जिस प्रकार सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, आज सभी का उन लोगों ने क्लोज कर दिया है एस्ट्रोलॉजी। अब एक भी वीडियो सुशांत सिंह राजपूत पर नहीं आ रहा है क्योंकि उन्होंने देखा कि उनकी एस्ट्रोलॉजी फेल हो गई है। और WW3 को लेकर जो तीसरा पॉइंट मैंने कहा कि महाविनाश और महाप्रलय ही होगा, नहीं, महाविनाश और महाप्रलय जो होने वाला है कल की अवतार के द्वारा, फाइनल वॉर की मैं हमेशा बात करती हूँ, मैं जो बात करती हूँ WW3 की नहीं, मैं फाइनल वॉर की बात करती हूँ, वो जो भयंकर युद्ध होगा वो कल की देव के द्वारा, कल की देव की निगरानी में, महाकाल की निगरानी में लड़ा जाएगा, जिसमें कि चारों ओर तबाही ऐसी मचेगी कि लोग उस समय नहीं समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है। और एक और बात बतलाई जाती है कि 7 दिनों तक लगातार अंधेरा रहेगा, भविष्य मलिका में लिखा गया है, और वो समय अब आ गया है इसी डिकेड के अंदर।
सात दिनों तक जो अंधेरा रहेगा ये बात लिखी गई है, लेकिन किस लिए लिखी गई? इसलिए नहीं कि सूरज नहीं निकलेगा, सूरज नहीं निकलेगा ऐसा बिल्कुल, सूर्य निकलना या डूबना नहीं होता है। पृथ्वी घूम रही है तो सूर्य के सामने आती है तो रोशनी धूप हो जाती है, दिन हो जाता है, और जब पृथ्वी पर उसका प्रकाश नहीं पड़ रहा है तो वहाँ पर उस क्षेत्र में रात होती है। ये सिंपल हम लोगों ने सबने पढ़ा है, आपको भी इसका नॉलेज है। तो सात दिनों तक अंधेरा रहेगा ये लिखा गया है, सूर्य नहीं निकलेगा ये नहीं कहीं लिखा गया है। तो इस प्रकार बहुत सारी बातें स्पॉइल की जा रही हैं अब भविष्य मलिका को लेकर। भविष्य मलिका का जो शुभ नाम है, उन्हें और अच्युतानंद ने जो भविष्यवाणी की, इतना पवित्र ग्रंथ और उसकी पवित्रता पर ही आज लोग अपने शब्दों के द्वारा ऐसी कालिख पोत रहे हैं कि बस कुछ कहने को अब मुझे रह नहीं गया है, अब सिर्फ समय गवाही देगा। मैं भी कुछ नहीं कह सकती और मेरी बात पर भी आप लोग विश्वास मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ समय का इंतज़ार कीजिए। जिसको आप लोग फॉलो कर रहे हैं उन्हें फॉलो कीजिए, उनकी बातें सुनिए, सुनकर अपने मन में रखिए और आने वाले समय में खुद ऑब्जर्व कीजिए कि क्या जैसा उन्होंने कहा वैसी ही घटना घटित हो रही है। और जब नहीं होती है तो लोग कह देते हैं कहाँ सब भविष्य मलिका में झूठा लिखा गया। बिल्कुल नहीं, एक एक बात भविष्य मलिका की सत्य है, क्योंकि उसे साधारण इंसान ने नहीं लिखा है। भगवान कृष्ण के आदेश पर अच्युतानंद और उनके चार दोस्तों ने मिलकर लिखा है। वो कोई साधारण इंसान नहीं थे हमारी आपकी तरह, तो उन्होंने जो बात लिखी है बिल्कुल सत्य है, लेकिन लोग उस पर झूठ की जो पॉलिश चढ़ा रहे हैं वो गलत है। वो बातें जब गलत हो जा रही हैं तो लोगों का विश्वास उठ रहा है कि ऐसा तो भविष्य मलिका में कहा गया तो हुआ ही नहीं। नहीं, जो बातें जो कही गई हैं वो बातें तो आप तक पहुँच ही नहीं रही हैं, और आप तक जो बातें पहुँच रही हैं वो बातें वो उस तरह से हैं ही नहीं। तो अलर्ट रहिए जो भी भविष्य मलिका के नाम को लेकर स्पॉइल कर रहा है। और अलर्ट रहने का मतलब ये कदापि नहीं मैं कहूँगी कि मुझ पर ही विश्वास कीजिए, बिल्कुल नहीं। अपने आप पर, ईश्वर पर और समय पर। आने वाला समय सबसे बड़ा गुरु हर एक के जीवन में होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।